तो दोस्तों, क्या आप लोगों को स्मार्टफोन लेना है और आपका जो बजट है वो अराउंड 40,000 के करीब है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन फ़ोन जो कि आपके लिए है और आपके प्रोसेसर में ये फ़ोन आपको मिलने वाला है। इसकी कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बैटरी सब चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो पूरे डिटेल से हम बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं और ये फ़ोन आपके लिए है या फिर नहीं है। आप लोग आज की वीडियो में देख कर आपको सारा कुछ समझ आ जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए टाइम वेस्ट किए हुए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में या वीडियो में नए होंगे तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए टाइम वेस्ट किए हुए, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M54 37,999 में। इसकी पूरी डिटेल से अगर हम बात करें कि क्या क्या परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं इसमें मिलने वाला है सैमसंग की तरफ से आइनोस 1380। इसके साथ साथ अगर हम इसकी डिस्प्ले की अगर हम बात कर लें तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको मिलने वाला है सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा 6.7 इंचेस का, जिसकी रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो 1080x2400 पिक्सल तक आपको देखने को मिल जाएगा। बेजल लेस डिस्प्ले विथ पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को इसमें मिल जा रहा है। 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट आपको देखने को इसमें मिल जा रहा है। कलर की अगर हम बात करें तो आपको दो कलर में आपको देखने को मिलने वाला है, सिल्वर और डार्क ब्लू में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसकी वेट की अगर हम बात कर ले तो 199 ग्राम इसका वेट रखा गया है बिलो एवरेज में। अगर हम इसकी कैमरा की बात करें मेन कैमरा की, तो मैं आपको बता दूं ट्रिपल कैमरा आपको मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल की अपर्चर 1.8 वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। 8 मेगापिक्सल की अगर हम बात करें तो अपर्चर 2.2 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिल जा रहा है। वहीं अगर हम 2 मेगापिक्सल की अगर हम बात कर ले तो अपर्चर 2.4 माइक्रो कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन है। इसकी इमेज रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो 12,000x9,000 पिक्सल तक आपको देखने को मिल जा रहा है। कंटिन्यूस शूटिंग मोड भी आपको देखने को मिल जा रहा है। HDR आपको देखने को मिल जा रहा है। 10x डिजिटल जूम आपको दिया गया है। ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर ले तो आपको 30fps पे आपको ये रिकॉर्डिंग करके देगा। अगर हम फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि 32 मेगापिक्सल का अपर्चर 2.2 वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। वहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर ले तो 30fps से आपको रिकॉर्डिंग करके देगा। जो आपका मेन कैमरा था वही आपका फ्रंट कैमरा में भी आपको देखने को मिल जा रहा है। वहीं इसकी बैटरी की अगर हम बात करें तो 6000mAh का आपको बैटरी देखने को मिल जा रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 25W का आपको फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जा रहा है। ये फोन आपको मिलने वाला 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज में, जो कि काफी बेहतरीन है। इसकी प्राइस की अगर हम फिर से डिटेल से बात कर ले तो मैं आपको बता दूं कि 37,999 में आपको मिलने वाला है। अभी जो सेल आने वाला है बिग बिलियन डे सेल, उसमें और भी रेट कम हो सकता है। अगर आप 10 से 15 दिन और रुक जाते हो, यही फोन आपको अप्रोक्स आपको 32,000 में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M54 के बारे में। अगर आप लोग इस फोन को लेने का सोच रहे होंगे तो कमेंट करके बता देना कि क्या आप लोग इस फोन को ले रहे हो फिर नहीं ले रहे हो। अगर आप लोग नहीं ले रहे हो तो किस लिए नहीं ले रहे हो, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग आपके लिए वैसा ही फोन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मिलते अपने अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।